आज फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छे अच्छे टिप्स, जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। सबसे पहले टिप है, जब इस तरीके के बहुत हॉलो जो ग्लास होते हैं जिसमें हमारा हाथ अच्छे तरीके से नहीं जा पाता है, उसमें लस्सी या मिल्कशेक ऐसी चीज़ें हम अच्छी तरीके से साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार टिप आपको बताऊंगी। इस तरीके से फोक तो हमारे सभी के घर पे होता है, इस फोक की हेल्प से हम इसे बहुत इजीली साफ़ कर पाएंगे। अब जो भी स्क्रब आप यूज़ करते हैं घर में बर्तन धोने के लिए, भले वो स्पॉन्ज का हो या इस तरीके का हो, बस उसे आपको ले लेना है। इसमें आपको इस तरीके से फोक फंसाना है और उसके बाद में इस स्पॉन्ज को आपको इस तरीके से ग्लास के अंदर ढकेल देना है। इस तरीके के जो पतले वाले ग्लास होते हैं, इससे भी अगर लंबा होगा ग्लास तो वो भी आसानी से इस तरीके से धुल पाएगा, क्योंकि फोक जो है इससे भी ज़्यादा दूर तक जा सकती है। और ये स्क्रब का जो हार्ड वाला साइड होता है वो मैंने बाहर की तरफ रखा है, ताकि आप इजीली बहुत ही आसानी से इस तरीके की ग्लासेस या फिर कोई खुले मुंह वाली बॉटल्स हैं या फिर लंबा कोई भी बर्तन है तो उसे आसानी से इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सूखा ही बताया है, आप साबुन के साथ इसी ट्रिक को यूज़ करके अच्छी से क्लीनिंग कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको टिप पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अब हम देख लेते हैं अपना अगला टिप। अगला जो टिप है वो आयरन के जो लोहे के बर्तन हैं उनको लेकर है। लोहे के बर्तन में खाना बहुत अच्छा होता है। आजकल हमें एल्युमिनियम प्लास्टिक वगैरह अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उन बर्तनों को हम लगातार यूज़ नहीं करते हैं, रखे रहते हैं, तो इससे इतने महंगे खरीदे हुए हमारे बर्तन जो है वो ख़राब होने लगते हैं। तो एक बहुत अच्छी टिप है, यहाँ पर आप थोड़ा सा तेल ले लें, भले ब्रश के साथ लगाएँ या हाथ के साथ लगाएँ या फिर टिश्यू पेपर के साथ लगाएँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी लोहे के बर्तन को आपको लगातार नहीं यूज़ करना है बल्कि उसको रखे रखना है, तो यहाँ पे ऐसा तेल लगाकर अगर आप उसे रख देते हैं तो भले वो महीनों सालों पड़ा रहे उनके ऊपर जंग नहीं लगता। लोहे का कोई भी बर्तन तभी ख़राब होता है जब उसके ऊपर जंग लगता है, अगर जंग ना लगे तो सालों साल बर्तन ख़राब नहीं होते। तो आप इस तरीके से अच्छी तरीके से ऑयल की ग्रीसिंग करने के बाद फिर ही किसी भी कढ़ाई को, पैन को, लोहे के बर्तन को रखें, भले आप किसी भी कोने में रखें, उसके बाद में आपके जो लोहे के बर्तन हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बस आपको यूज़ करने से पहले जो पहले का पुराना लगा हुआ ऑयल है उसे अच्छे तरीके से साबुन से धो के फिर यूज़ करना है। अगली जो टिप है वो तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें कोई कागज़ चिपकाना होता है घर पे और उस टाइम पे फेविकोल या गूंद नहीं होती है, जैसे कि शादी में जाना है, एनवलप चिपकाना है या बच्चे का कोई प्रोजेक्ट है, और उस समय अगर नहीं है आपके पास गूंद तो बहुत ही आसान तरीका है, ये चपातियों का गेहूं का आटा है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद ये बिल्कुल गूंद जैसा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में ये आटे से बनी हुई चीज़ें अच्छी तरीके से चिपकाएगी और अगर चिपक गई तो ये तो निकल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अभी आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगी जादू। ये देखिए मैंने इस पेस्ट को इस पेपर पर लगा दिया, अगर आपकी कोई बुक वगैरह भी फटी हो तो वो भी बहुत आसानी से चिपक जाती है। अब इसे सूखने देते हैं और 5 मिनट के बाद आप देखिएगा कि कितनी मजबूती से इसके ऊपर ये चिपक गया है बिना फेविकोल के। तो चलिए थोड़ा देर रुकते हैं यहाँ पे। तो चलिए 5 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये। अब देखते हैं कि अच्छे से चिपका है नहीं। इसे ऐसे खोलते हैं और ये देखिए यहाँ से जो पेज है दूसरी तरफ से फट गया, लेकिन जहाँ पे आटा लगाया था वहाँ से बिल्कुल चिपका ही रहा है, फेविकोल से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से चिपका है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फेविकोल ना यूज़ करें, लेकिन इमरजेंसी के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये देखिए बहुत आसानी से यहाँ पर चिपक गया है। अगली टिप जो है क्लीनिंग को लेके, हमारे घर की सारी चीज़ें अच्छी से साफ़ होती हैं, लेकिन एक स्विच बोर्ड ही है जो गंदा रह जाता है। उसे साफ़ करने के लिए आप कोई भी पुराना टूथब्रश ले लें, उसके ऊपर पेस्ट लगा लें जो दांतों की पेस्ट होती है वो, और फिर हल्का सा पानी में डुबाकर इसे इस तरीके से आपको घिसना है, अच्छी तरीके से हर एक कोने में आपको घस लेना है। बस इसे करते टाइम आप पैर में प्लास्टिक की चप्पल ज़रूर पहन लें सेफ्टी के लिए। आपको कोई करंट तो नहीं लगेगा क्योंकि आपके हाथ सूखे हैं, ब्रश की डंडी सूखी है, खाली वो वाला हिस्सा गीला है जहाँ से आप घस रहे हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी तरीके से तसल्ली से आप इसे स्क्रब करें और फिर टूथपेस्ट को इसी तरीके से बोर्ड के ऊपर लगा रहने दें 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए, ताकि जो जमी हुई मैल है वो भी निकल जाए। तो अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद फिर से इसे हल्का सा गीला करके फिर से एक बार घस लेंगे और उसके बाद में हम किसी सूखे कपड़े से इसे साफ़ करेंगे। आप देखेंगे पहले कितना गंदा था, इतनी गंदगी लगी हुई थी, देखने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब मैं इसे 5 मिनट के बाद सूखे कपड़े के साथ साफ़ करूँगी तो ऐसे लगेगा कि आपने आज ही स्विच बोर्ड लगवाया है। बहुत ही आसानी से क्लीनिंग हो जाती है, करंट लगने का डर नहीं होता है, और ब्रश की वजह से जो कोने वोने हैं जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँचता है, और अगर हाथ पहुँचता भी है तो हमें डर लगता है कि हमें करंट लगेगा,
वहाँ से भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ अगर आपको साफ़ करनी है तो टूथब्रश, पानी और टूथपेस्ट का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसे ट्राई करके आप बहुत सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। अगर टिप पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी हम अगला टिप देख लेते हैं। अगली टिप जो है वो पुरानी सब्जी को लेकर है। ये कद्दू की सब्जी है। इस तरीके से कोई भी और सब्जी हो सकती है जो बासी हो गई और उसे कोई नहीं खा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लें, उसमें हींग डाल दें और साथ में एक सिंपल सा तड़का लगाएंगे सिर्फ दो चीज़ों का। यह है क्रश किया हुआ लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्चें कट कर ली है मैंने। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन के बदले अदरक डाल सकते हैं। इसे हल्का सा सौते करेंगे, ब्राउन करेंगे और उसके बाद में इसमें गर्म मसाला ऐड करेंगे। ये जीरा मसाला वगैरह जिसमें होता है वो ऐड कर दिया है। यहाँ पर गैस बंद कर दूंगी मैं और फिर उसमें मैंने ऐड कर दी सब्जी। थोड़ी सी स्किप हो गई है वीडियो। साथ में थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है और जो हमने सिंपल तड़का लगाया था सिर्फ मिर्च और लहसुन का, उससे इसकी जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च डाली है इसलिए वो मैं यहाँ पर अवॉइड करूँगी। इसे अच्छी तरीके से आप एक बार दोबारा गर्म कर लें। देख लेना जो कल आपने सब्जी बनाई थी उससे इसका स्वाद बहुत ही अलग होगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। वो इसलिए क्योंकि हमने उस सब्जी को एक डबल तड़का लगा दिया, जिसे लगाने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगे। ये आप सिर्फ कद्दू के साथ नहीं, कोई भी बची हुई सब्जी, पीली दाल, काली दाल, मूंग की दाल, किसी भी चीज़ के साथ ये वाले तड़के के साथ उस चीज़ को आप स्वाद बना सकते हैं। तो यही थी कुछ छोटी मोटी टिप्स। इस तरीके की टिप्स मैं हमेशा अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।